एवरीवन, वेलकम क्योर और नमस्ते। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा ऑकलैंड पोर्ट का विजिट। वेल, ये विजिट हमें करना पड़ा था बिकॉज हम एक डिस्प्यूट में चले गए थे। हमारे जो पीछे हमने जो हमारा नया घर बनाया था उस वक्त हमारे पाइपलाइन इंस्टॉलर जो बंदा था वो हमको कुछ पैसा वापस नहीं कर रहा था बिकॉज ही डिड नॉट फिनिश द वर्क। तो हमने बोला था ठीक है भाई, आप अपना पैसा वापस हमें कर दो जो हमने आपको दिया था और फिर हम किसी और से करवा लेंगे। बट उसने हमें पूरा पैसा देने से मना कर दिया था, तो इस वजह से हमें कोर्ट जाना पड़ा था। एंड ये व्लॉग उस रिलेटेड है, कुछ मैंने वीडियोस लिए थे उसी को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस विजिट को लेके हम काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे बिकॉज हमें कुछ आइडिया नहीं था ये कैसे काम करता है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड वन। अच्छा, एक बार दिखा देती हूँ अंदर। दिस इज द एंट्रेंस। होने के बाद आफ्टर यू एंटर दिस इज अ बिग सिटिंग एरिया है ना? काफ़ी अच्छा है, इतना भीड़ भाड़ नहीं है, वेरी नीट क्लीन एंड टाइडी और लोग भी काफ़ी प्रोफेशनल है ना? हेलो, व्हाट्स अप, हाउ आर यू फीलिंग कमिंग टू द कोर्ट? ठीक लग रहा है, कभी इतना बेटर तो कभी फील नहीं होता कोर्ट रूम आके, पर टाइम खराब होता है ऑब्वियसली, इस वजह से जो टाइम पर नथिंग यू कैन डू, फिर कभी प्रॉब्लम्स डील करना पड़ता है, क्या करें, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरे लोगों से डील करना ही पड़ता है। गन्ना अच्छा, दिस इज हाउ कोर्ट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। तो ये जो कोर्ट है, हम लोग गए थे ऑकलैंड सिटी में जो मनुकाओ डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है, हम वहाँ पे गए थे। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे तो इसलिए हम थोड़ी देर पहले ही पहुँच गए थे, और टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अंदर की कुछ क्लिपिंग्स लिए थे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, नाम और रूम नंबर सब वहाँ डिस्प्ले बोर्ड में आता रहता है। और ये है मनुकाओ सिटी का पुलिस स्टेशन जो कि कोर्ट के बिल्कुल साइड में ही है, बीच में बस एक रास्ता जा रहा है, दोनों रोड के आजू बाजू है। अंदर बहुत शांति था, कोई भी शोर शराबा बिल्कुल नहीं था, बस कुछ यू नो लाइक कोई इंसान बात करे फुसफुसाए वैसा, इट वॉज लाइक रियली क्वाइट। एक सेकेंड, कहाँ जा रहे हो? तो जीत की शक्ल दिखा दो। So, guys, इस बार मैंने ये केस जीत लिया। जोर से बोलो। मैंने केस फाइनली जीत लिया। और पहली बार आया हो ना कोर्ट? हाँ, पहली बार आया, थोड़ा एक्साइटमेंट था। और कभी और मत आना। हाँ, मतलब गलत रीजन से तो नहीं आना, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो जरूर आना। हमारे साथ कुछ गलत हो? अगर लास्ट स्टैंड तक खड़े रहना, जब तक अगर तुम सही हो तो जरूर उसको लास्ट मिनट तक चेस करना। तो सच की जीत हुई, मुझे बहुत खुशी है। और टाइम से पहले जज रूम देखना नहीं हुआ। ऑर्डर 25 मिनट्स में केस खत्म हो गया, क्योंकि ऑर्डर नहीं किया तो ऑर्डर नहीं हुआ, मजा नहीं आया। मुझे लगा फिल्मी स्टाइल कुछ होगा, ऑर्डर खड़ा होगा जज टाइपर, तो हिंदी फिल्म में वो लगा हुआ रखे बैठा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी मजा तो आया। पागल है। जनरली आपको लॉयर की जरूरत पड़ती नहीं अगर आपका डिस्प्यूट $6,000 NZD से नीचे है या 6,000 तक का है। अगर उससे ज़्यादा है या स्पेशल केस में अगर जज को लगता है कि हाँ आपको आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है और यू नीड सम प्रोफेशनल है, तो आप कोर्ट अपने लॉयर के पास जा सकते हैं। अदरवाइज अंडर 6,000 इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन डालिए और वहाँ से आप बुकिंग बनाइए, देन आप जाके खुद अपना अपने साइड रख सकते हैं कोर्ट में डायरेक्टली विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम किसी लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग वहाँ पे टाइम से पहुँच गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद बोर्ड लगा रहता है, वहाँ पे आपका नाम आएगा और कौन से रूम नंबर पे ये हियरिंग होगा वो लिखा रहेगा।
वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ इंडिया जैसा होगा, कोई जज होगा, ऑर्डर 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 बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं था. प्रीटी सिंपल एक लेडी बैठी थी. एक्चुअली हम लोग टाइम से पहुंच गए थे और वो लोग 5-10 मिनट लेट हुए थे, बट दे वर प्रीटी मच ऑन टाइम. और बस एक कमरा है जो कि टेक्निकली साउंड प्रूफ काइंड ऑफ है, बाहर से इतना सुनाई बिल्कुल नहीं देता है. मैं कमरे के अंदर तो गई थी, बट क्योंकि मेरी बेटी थी वो थोड़ा नॉइजी हो रही थी तो मैं बाहर आ गई थी. अंदर क्या हुआ था वो ये बताएंगे. फॉर सिक्योरिटी रीजन, अगर कोर्ट हेयरिंग के बीच में कोई अगर रूम से बाहर जाता है तो उनको वापस आने के अप्रूवल नहीं मिलता है अनटिल लेस जज खुद उनको आने की परमिशन दे. अंदर बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, सिंपल सामने टेबल है, उस पर कोई जज बैठी रहती है, वन साइड जस्ट लाइक अ क्लर्क ऑफिसर यू कैन से, और द अदर साइड दो पार्टी होती हैं, अलग अलग टेबल पर बैठी होती हैं. तो जज आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछता है ना, आप उनको रिस्पॉन्स करते हो, बदले में आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है. अपने आपको जस्टिफाई करने के लिए वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ड्रेनेज लेयर जो है, ड्रेनेज इंस्टॉलर, उसने डॉक्यूमेंट इनवॉइस दिया था, तो इनवॉइस हमने उनको प्रोवाइड किया कि भाई ये इनवॉइस है, उसमें लिखा है कि क्या क्या काम है, पर रियलिटी में हमने फोटो खींच के दी थी साइट की, क्योंकि उन्होंने मांगे थे फोटो कि साइट पे काम हुआ भी कि नहीं, तो हमने दिखाया कि साइट पे कोई काम हुआ नहीं है, इसने किया नहीं काम, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको कहीं और बेटर काम मिल गया, सब कोई बड़ा काम मिल गया, तो हमारा काम डिले किया उसने. बस जज को वही सुनना था. जज को जनरली इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो देख के समझ जाता है कि केस किसके फेवर में जाने वाला है, तो वो आपसे जनरली अगर आपसे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं तो उसका मतलब उनको पता है कि यू आर ऑन द गुड साइड एंड वो फेवर में आप ही के जाता है. जनरली वो डिटेल में तब जाते हैं जब सेकेंड पार्टी अपने को गिल्टी फील नहीं मानती है, तब वो डिटेल में उनको प्रूफ करते हैं कि देखो जिन्होंने केस किया है वो सही हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है, तो भी अगर आप मान गए तो ठीक है, वरना हम फोर्सफुली आपको मनाएंगे, देन उस केस में पनिशमेंट भी हैवी होती है. तो ड्रेन लेयर ने खुद ही अपनी गलती मान ली और हमें बाकी बैलेंस रिफंड कर दिया इमिजिएटली विद इन कपल ऑफ डेज. एंड ऑफ द डे आपको कंफर्म कभी कोई नहीं बताएगा, जज कभी नहीं बोलेगा कि आप ये केस आप जीत गए कि हार गए, वो आपको हमेशा प्रोफेशनली बोलते हैं कि आपको लेटर आएगा उसमें आपका डिसीजन लिखा होगा. उसके कई रीज़न होते हैं ना बताने के, कि दोनों पार्टी में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई फाइटिंग ना हो जाए, सो मेनी रीज़न, पर प्रोफेशनली वो सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप लेटर का वेट कीजिए, व्हाट्स अ डिसीजन.